बाहर का तो काम है नहीं, तो अंदर का काम करो। आज बाबा ने बहुत बड़े काम दिए हैं, काफी सारा होमवर्क है बाबा का। अब देखो, एक तो सत्ताओं के बारे में बाबा ने बात की। सत्ता अर्थात पावर, हर कोई फाइनल जीवन में क्या होता है पावर? शुरू में होता है कि फैमिली, फिर होता है एजुकेशन, और बाद में जॉब करते करते क्या संकल्प चलता है? अथॉरिटी, स्टेटस। क्यों? जितना स्टेटस उतना पावर। तो बाबा ने आज हमको कौन से पावर दिए जो दुनिया वाले फाइनली एम करते हैं? तो चार सत्ता याद है ना, हमेशा बाबा बताते हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, और तीसरा है, सोचो कौन सी सत्ता होगी? हाँ अच्छा, फिर बहुत फायदा नहीं। 3-7 है और रिवाइज डेट है 10/1/91। आएगा आएगा, सोचो तब तक। 10/1/91 पिछला शायद अक्टूबर था ना, 26 अक्टूबर की मुरली, पिछले संडे की मुरली। 26 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आए नहीं, 91 में देखना, पता नहीं याद नहीं आ रहा है बाद में बीच में, क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 24 अक्टूबर 91 में हुआ था, और उसके बाद 26 को जो बाबा आए थे तो उसमें वर्णन किया था ग्लोबल हॉस्पिटल का। चार सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष तीन शक्तियां हैं, एक है धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, और तीसरी है विज्ञान की सत्ता। पावर है ना, ये पार है, तो जिनके पास ये पावर होती है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में, अच्छा ये तीन सत्ता है हमारे में है, एडिशनल एक और है, चार सत्याएं हैं, ये भी है, पर कैसे है? पहली तीन सत्ताएं तो है ही है, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, पावर ऑफ गुड एक्शंस। और हमको सत्ता मतलब पार, अथॉरिटी, श्रेष्ठ कर्मों की अथॉरिटी है। जैसे सपोज हम ऑनेस्ट है तो ऑटोमेटिक वो अथॉरिटी है ना अंदर से, शब्द हम जो कहेंगे वो अथॉरिटी के निकलेंगे। क्लेम नहीं कर रहे हैं हम, जता नहीं रहे हैं, बट वो निकलेंगे वो अथॉरिटी के, तो उसको कहेंगे तो श्रेष्ठ कर्मों की अथॉरिटी। जो करेगा नहीं तो वो जैसे एक अमृत वेला है, अगर हम नहीं करते हैं, हम अथॉरिटी से बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो कर्म जो करेंगे वही तो अथॉरिटी बनेगी, ऐसा ही है ना, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है, इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चार सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही है। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में है, ऑल द फोर पावर्स चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात, अब देखो धर्म सत्ता किसे कहेंगे? सदा श्रेष्ठ सुखी खुश नुमा जीवन जीने की कला, धर्म धारणा। तो वो धारणाएं या वो टीचिंग्स जो हमें श्रेष्ठ सुखी खुश नुमा जीवन जीने की कला सिखाए,
लेकिन तो जीवन जीने की कला सिखाए, धर्म अर्थात स्टिक करना और फिर उसके लिए लड़ना। कहते धर्म की लड़ाई है भाई, धर्म की लड़ाई वो भी ठीक है, धर्म के लिए लड़ाई। हम देख रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह धर्म के लिए लड़ाई करना होता है। धर्म मतलब सुखी जीवन और लड़ना। बाबा इसलिए कहते हैं ये है हमारा धर्म सत्ता, देवी देवता बनना। हम देवी देवता प्रूव करने के लिए लड़ाई नहीं करते, जिद नहीं करते, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। तो धर्म सत्ता मीन्स सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। अपने को और राज्य को अर्थात कर्म साथियों को तो स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति और संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। तो राज्य सत्ता जो भी मेरे साथ है, साथी है, उसको जो द वे हम हैंडल कर रहे हैं, स्नेह मतलब संतुष्टता की फीलिंग, वन उसको हमसे वो संतुष्ट है, उनसे हम संतुष्ट है, ये। लेकिन किसके आधार से? दोनों स्नेह, ओनली स्नेह से नहीं होगा, संतुष्टता होगी, दोनों का बैलेंस, स्नेह और शक्ति के बैलेंस। सोचते हैं ना राज्य मतलब या तो लॉई हो, स्नेह और शक्ति। कहाँ स्नेही बनना, मतलब स्नेही भी और शक्ति रूप भी। अच्छा अब इसमें भी दोनों एट अ टाइम या दोनों कभी स्नेह कभी शक्ति रूप? मेधापन बोले कभी स्नेह कभी शक्ति रूप या दोनों एट अ टाइम? शक्ति रूप है तब स्नेह इंटैक्ट है, स्नेही है तब शक्ति इंटैक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट हो लेकिन स्नेह का एलिमेंट है, और स्नेही है लेकिन लूजनेस नहीं है, तब है ना, इसको कहेंगे ना दोनों लव एंड लॉ, वही स्नेह और शक्ति। इससे संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हरेक संत द्वारा, राजा मतलब क्या, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, उससे हर आत्मा संतुष्ट हो, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात, तो फर्स्ट हो गया स्नेह शक्ति, अगर उसको और सेग्रीगेट करें तो, सेकंड हो गया संतुष्टता की वाह वाह, तीसरा है राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। मतलब बोलो चलने की कला क्या होती है? गाइड करना, वो चलाने की कला, चलने की कला। हाँ वो दादी हमेशा कहती बड़ों के साथ में के साथ चलने की भी कला हो, और जो चलेगा वो चलाएगा भी, चला भी सकता है ना,
जो रह सकता है वो दूसरों को भी। हाँ, तो चलने की भी कला और चलाने की भी कला, साथियों के साथ चलना भी है और चलाने की भी कला, साथ में चलने की कला। तो औरों को चलाने, तो स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला, उसके लिए कौन सा पावर चाहिए? एडजस्टमेंट, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, शक्ति नॉट गुण, एक्सेप्टेंस। तो स्वयं चलने की कला और फिर चलाने की भी कला, ये भी ना कि ओनली चलने की कला हो, एडजस्ट ही होता रहे। तीसरा, विज्ञान की सत्ता। तो ये राज्य सत्ता में तीन आ गया, तो ये हो गया ना सफल राजा। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति। विज्ञान मतलब क्या? साइंस है। देखो सामने सामने देख लो, ये मेडिसिनली खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, साइंस। तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति, इसको विज्ञान सत्ता कहेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, तो ये हो गया प्रत्यक्ष फल, विज्ञान की सत्ता। तो हमारा भी क्या है? योग करे, मतलब श्रेष्ठ संकल्प करे, समान के संकल्प करे, उसी समय एक्सपीरियंस अनुभव हो जाता है ना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर कोई भी एक पॉइंट लो, इमीडिएट उसका इम्पैक्ट पता चलता है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात, अब चौथा है, फोर्थ, कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना, इसको कहते कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। ये कोई हिंदी बोल सकता है? हाँ? तो एक तो वर्तमान खुशी की, मैंने श्रेष्ठ कर्म किया उसी समय वो खुशी की फीलिंग, और लगे कि जैसे मेरे जमा भी हुआ है, जमा हो, जैसे मैंने कमाया, यूज किया, थोड़ा जमा भी होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, आपको सुख दिया, तो वो उस समय मुझे अच्छा लगेगा और मुझे सिक्योरिटी है, जमा है, वो तो है ही श्रेष्ठ कर्म की। तो इसको कहते कर्म के खजानों की संपन्नता, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का खजानों से मैं संपन्न, तो वो संपन्नता का नशा की कला। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन सभी को क्लियर? सुमन बहन क्या कह रहे, क्लियर? हाँ, भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना, इसको कहते हैं, सॉरी, अब सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है, सबसे बड़ा खजाना। देखो हम श्रेष्ठ संकल्प और कर्म कर रहे हैं, जमा हो रहा है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे तो उस समय निकल भी तो रहा है ना। सपोज हम कुछ बातों से केयरलेस है, अवज्ञा करे, तो वो श्रेष्ठ कर्म तो नहीं हुआ ना, तो जमा नहीं हुआ ना, तो अंदर डर लगा रहेगा उस आत्मा में फ्यूचर का, क्योंकि जमा नहीं है ना, जिसको हमेशा डर है, कहीं ना कहीं अगर डर है तो जमा नहीं है, नहीं तो कभी भी किसी भी बात का डर नहीं होगा। ठीक है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, डर नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये, अब ये चारों खजाना है,
सबसे बड़ा खजाना इसमें कौन सा? श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहां आकर सीखो? ये चैलेंज करते हो ना? राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकूर से कहते हो ना, बेफिकर बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना? दादी प्रकाशमणि का कई बार मोहिनी बहन एग्जाम्पल देते ना, इंद्रप्रस्थ में होते थे ना, पांडव भवन में सब दादियां डिनर पे मिली, तो ऐसे मतलब फिर इतना लाइट मूड, और ये एक एक विश्व एक एक कंट्री संभाल रही है, लेकिन एकदम लाइटनेस, एकदम ऑनेस्ट, खिलखिलाकर, जैसे ना कोई मैन्युपुलेशन नहीं है आपस में, हंसना है, मतलब वो भी रॉयल्टी से सब कुछ, और संभालने के लिए इधर शांतिवन है, उधर ज्ञान सरोवर है, प्रकाशमणि दादी विश्व ही था, जानकी दादी। तो फिर कोई कुछ एक चावल का एक सैंपल लेके आया तो बोला ये चावल आया है, तो दादी मोहिनी बहन भी बैठे थे, बोला देखो तो ये चावल ठीक है, संभालने वाला इतना बड़ा, लेकिन लाइटनेस, रिलेशनशिप्स की लाइटनेस। तो और नींद, 10 दादी लेटी और यूं किया, सुना ना दादी का, बड़ी दादी का नींद कितना, बस लेटी और नींद आ गई, चीफ है। तो बाबा ये कह रहे, जिसको नींद एकदम अच्छे से आ सकती है ना, समझो जीवन में बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, सबसे पर्सनल खजाना वही छीन लेता है। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य, सॉरी, लेकिन पशु समान जीवन है। तो बेफिकर बादशाह बन के देखो, ये चैलेंज करते हो ना, बादशाह हो, बेफिकर का बादशाह। हंस रहे हैं। फिकर है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, होगा तो भी बहुत अच्छा, और नहीं होगा हाँ और अच्छा। ये बस सिंपल फॉर्मूलाज है जीवन के कैसे, ठीक है ना? तो बाबा ये कह रहे हैं, बादशाह होना, सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास है, अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं और आपके पास है 4 सत्ताएं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना, चारों ही सत्ताओं के आधार से एकर स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं, तो ये 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव, टेबल के जैसे 4 पांव होते हैं ना, एकर स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। क्या भगवान के कनेक्शन देखो, 4 सत्ताएं, 4 पांव आसन के, तो अगर 4 पांव ठीक है तो फिर हिलता नहीं है ना, एकर स्थिति के आसन को मजबूत करें। इसका मतलब अगर एकर स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं कोई सत्ता की कमी है, हर समय बेफिकर बादशाह का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा, अर्थात अधीन रहना पड़ता है ना, तो आप बेफिकर बादशाह हो, बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन, है ना,
अधीन रहना पड़ता है, मजबूरी है। तो आप क्या है, बादशाह या प्रजा? बोलो वीणा बहन, बोलो बादशाह या प्रजा? बादशाह, बोलना पड़ता है, उठना पड़ता है, सेंटर पे आना पड़ता है, नहीं तो बहने कोई भी चीज में करना पड़ता है, मतलब मजबूरी है ना, नहीं तो क्या कहेंगे, नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगी अब। तो कुछ न कुछ, तो ये बाबा कहते हैं। तो प्रजा अर्थात अधीन, तो आप बेफिकर बादशाह हो, बेफिकर प्रजा नहीं हो। अधिकारी का मतलब इसी में करना पड़ता है, इसका अपोजिट क्या होगा अधिकारी के लिए? मर्जी से करना, जो मर्जी से करेगा ना वो किसी के एब्सेंस में भी वैसे ही करेगा, और जो करना पड़ता होगा वो वाली स्टाइल से चल रहा होगा ना, तो उसके सामने तो बड़े आए तो तब तो ठीक ठीक है, उसके एब्सेंस में वैसा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बेफिकर प्रजा नहीं, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिकर बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना ही। अब देखो, पहले चार सत्ता हो गया उसके बारे में, और अब अधिकारी और अधीन, बादशाही स्थिति। तो जितना अधिकारी उतना सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है, कितना रिस्पेक्ट दे सकता है, कितना रिस्पेक्ट मिल सकता है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है, राजा की तीन क्वालिटी बताओ, अभी जो बताया ऊपर, तीन क्वालिटी। एक अभी ऊपर जो बोला, हाँ, स्नेह और शक्ति, संतुष्टता की पुष्पों की वर्षा, और तीसरा है चलने चलाने की कला। अच्छा, तो बाबा ने कहा, सुनाया ना कि योग्य राजा योग्य राजा की निशानी है, योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो। सर्व द्वारा, अब आप कहेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड हमारा फीडबैक है ना, तो उसमें वो 95:5 वाला स्टाइल, ठीक है ना, पता है ना सबको। हाँ वो भी है, वो भी देखना है। हाँ हाँ वो भी है, वो भी नहीं है, मतलब हमने अपनी तरफ से बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग बेस्ट फुल ट्राई किया, फिर भी वो मुझे हमेशा किसने दोषी देता रहे, दोष देता रहे, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो, ठीक है, बादशाह मतलब, समझ में आया सुनीता बहन, मोदी बहन, सुनीता बहन, सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा, ऐसे वाह वाह के गीत हो उस आत्मा के लिए। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है, पहले अपने समीप के कर्म साथी, वो कौन है, कर्मेंद्रियों को चेक करो, समीप के कर्म साथी, कि वो मुझ राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी चलते हैं। कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव एंड लॉ के ऑर्डर में ऑलवेज चलते हैं,
मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो? जो मजबूरी से चल रहे हो वो दिखावे से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा वो ऑटोमेटिक चलेगा, उसको बोलना नहीं पड़ता और वो ऑटोमेटिक वैसे ही करेगा। हाँ वो तो सब जगह है ना, स्टार्टिंग यहां से। दूसरों को तो इधर भी लव एंड लॉ का बैलेंस, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं खुद के लिए और इतना रिलैक्स्ड भी नहीं खुद के लिए, लव एंड लॉ। तो हाँ, तो ऐसा भी स्ट्रिक्टनेस नहीं कि हमको लगता है हाँ अब 21 दिन खत्म हो गए ना चलो। वो जैसे प्रेशर में कर रहे थे कोई काम, तो वो जैसे ही वो काम खत्म हुआ तो वो नेचर भी खत्म हुआ, वो वेले वो नेचुरल नहीं था। वो कोई भी चीज में नेचुरल वो ऑलवेज रहेगा। तो लव एंड लॉ, जैसे अभी खाना नहीं है, सपोज हमने 21 दिन नहीं खाया, अब फिर चौथा आया 21 दिन के बाद, हाँ वो 21 दिन का सोचा था ना तो नहीं खाया, अब मैं लव एंड लॉ लॉफुल थे, लेकिन वो स्नेह वाला लॉफुल नहीं था ना, कि मुझे वो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत लविंगली एक्सेप्ट किया मैंने अपने लिए। तो सदा ऑर्डर में चलते या कभी कभी चलते, मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से है, पूछो चार तीन चीजें। सदा चलते हैं या कभी कभी, मजबूरी से चल रहे या मोहब्बत से चल रहे हैं भाई? सेंटर पे क्यों आ रहे है? मजबूरी कि नहीं तो मजबूरी से कि मोहब्बत से? मोहब्बत से पक्का। मजबूरी से वो चलेगा नहीं, वो सामने सामने करेगा। वो जो थोड़ा सा रीजन मिलेगा ना, आज ना ये दर्द है बस, बैठ जाएगा। बिकॉज तब आ रहे, तब कुछ कर रहे कि सब कुछ अच्छा हो, तो वो थोड़ा सा कुछ होगा ना, वो रीजन मिल जाएगा, वो हम उस बैकआउट कर देंगे। तो मजबूरी से चल रहे थे, दिखावा मात्र है या दिल से है? मजबूरी हो गया, मोहब्बत हो गया, दिखावा मात्र है या दिल से है, पूछना है अपने आप से। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंध, ये अपने साथ कर्म इंद्रियों के साथ, अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंट में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। तो एक तो स्वयं की कर्मेंद्रिया, अब दूसरे के लिए चेक करना है मेरे साथी और मुझ राज्य अधिकारी द्वारा, दूसरे आने वाली आत्माएं कितने संतुष्ट रहे। एक्चुअली सत्युगी राजा का क्या होता है, कलयुगी देश के राजा होते हैं, सत्युगी दिल के राजा होते हैं। तो यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। हो गया, क्या क्या चेकिंग हुई? तीन चीज, कर्मेंद्रियों में नहीं, अभी फिजिकल साथी, पहले कर्मेंद्रिया हो गई, स्नेह और शक्ति के लॉ ऑर्डर में कितना चल रहे है, फिर दूसरा मजबूरी से चल रही है ये कर्मेंद्रिय, मोहब्बत से चल रहे है, और तीसरा दिमाग दिखावा मात्र या दिल से। होता है ना कोई बड़े आते हैं उस समय हम थोड़ा अच्छे, कोई देख रहा है तो फिर अमृत वेला वैसे, नहीं देख रहा है तो आराम से चलो, कौन देखने वाला है। सेंटर पे आएंगे अमृत वेला एकदम पावरफुल करेंगे, वो नहीं। एक्चुअली वो ही होता है मुझे लगता है, जब हमको बाबा सामने फील हो रहा है ना कि मुझे उसके सामने 100% आज्ञाकारी ईमानदार वफादार रहना है,
तो वो दिखावा नहीं करेगा, इसके सामने ऐसा उसके सामने कोई नहीं है तो ऐसा कोई नहीं, नहीं ऐसा ही होगा। बाबा के ज्ञान में दिखावा से कैसे चल पाएंगे, योगी नहीं लगेगा, हाँ वो भी है, बैठ ही नहीं मतलब पाएंगे, योग में ही नहीं बैठ वो तो पाएंगे। है, लगेगा नहीं तो भी कर रहे ना, चल तो रहे ना, नंबर वार है, मतलब एक गोइंग पर्सनालिटी भी है ना, प्रोग्रेस नहीं हो रही लेकिन चल रहा है, काम चल रहा है, तो वही है। फिर वो दिखावे में बहाने इजी आ जाएंगे, जो दिखावा वाला करेंगे ना, जो थोड़ा बहुत भी बहाना मिलेगा फटाफट उसको यूज करेंगे। तो बाबा कहते हैं, और दूसरा संपर्क में संतुष्टता, साथी है और आने वाली आत्मा कितनी मेरे से संतुष्ट है। तो ये हो गई राज्य वाला, हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति, योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है, वहां है साधन यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो, हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हैं और कितना खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी, स्थूल मनी तो नहीं लगती है लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती है, तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते आराम देते और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो क्या? तो वो मतलब विज्ञान किसके लिए, कंफर्ट्स के लिए ना, जितना विज्ञान के साधन यूज होते हैं तो उतने कंफर्टेबल हो रहा है, तो चैन के लिए है ना। तो आप चैन की नींद में सोते हो, ब्राह्मण जीवन में ये तो सब सबको अच्छा नेचुरल गिफ्ट मिला है ना, चैन की नींद है, डिस्टर्ब स्लीप तो नहीं है किसी की, हाँ या ना? नहीं है पक्का? हाँ क्या हुआ, स्लोली बोलते हैं ऐसे, राजेंद्र भाई क्या बोले, पक्का मतलब ना? यहाँ तक है कि मैं आजकल थोड़ा लेट उठती हूँ 3:20 पे, आजकल श्रीकांत भाई का आया 3 से 5 मेडिटेशन। उठते हो ये ना हड़बड़ा के उठना, ये जहां थोड़ा सा भी डर है ओवर टाइम हो जाता है वही हड़बड़ाते नहीं होता है, ये भी एक नेचर है। तो चैन से उठना, इसलिए ये मैंने देखा जो अलार्म वाले हैं ना स्टाइल जिनकी भी, वो चैन की नींद कभी नहीं सोएंगे। एक तो उनके अंदर क्रोध का संस्कार, क्योंकि उठते ही वो इरिटेट होता है अलार्म से, तो क्रोध मतलब उठते ही मैं क्रोध कर रही हूं, और दूसरा वो फिर वो ओवर टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है तो हड़बड़ा के उठना, चैन नहीं हुआ, आराम से उठे, आराम से प्रोग्रामिंग दे माइंड को और टाइम हुआ आराम से जागे, फर्स्ट दृष्टि बाबा की ली, गुड मॉर्निंग की, उठे बाबा से, चैन की। तो बाबा ने क्या कहा, चैन की नींद सोना लेकिन चैन से उठना, ये गिफ्ट है सबके पास, चैन से उठते हैं। वो तो अपना अपना पता होगा आपको, और चैन से सारा कार्य करते, उठना और सोना। बेचैन होते हो क्या? बेचैनी, जब आसन से उतर आते हो ना तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। और अच्छा विज्ञान और क्या करता है, विज्ञान मतलब कंफर्ट्स मतलब चैन, और क्या करता है विज्ञान, विज्ञान के साधन को सोचो, मनोरंजन का साधन देता है,
और आपका मन, हमको मनोरंजन की जरूरत है, वैकेशन मनोरंजन। हाँ, आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो। और मतलब वहां से टेंशन से आए ऑफिस में और उसके बाद हॉरर मूवी चालू कर दी, दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट। मतलब क्या है सस्पेंस? और अगर नॉर्मल सीरियल भी चलो तो उसमें कौन सा मनोरंजन है? है मनोरंजन नहीं है ना। तो और उदासी करने का साधन है ना। तो बाबा इसलिए कहते, तो जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि उदास तब होते जब स्टैंडर्ड मन के दास बनते। दास बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए ना, ना दास बनते ना उदास होते। इसलिए मन सदा मौज में रहता, एकांत में है तो भी मौज में, अच्छा संगठन में है तो भी मौज में। सदा मौजों के दाता मालिक, बाप के साथ रहते हो ना कि कभी कभी रूठ जाते हो बाबा से? रूठते हैं, मेरा काम नहीं हुआ, बाबा ने काम ही नहीं किया मेरा, कितना किया मैंने, 21 दिन भी कंप्लीट हो गए। कई सारे होते हैं ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट बाबा के साथ, पूरा नहीं करते बाबा। तो बाबा पूछ रहे, रूठते हो तेजस्वी? रूठती हो बिल्कुल। बाबा ने अगर पास नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाए, बाबा कहते। तो बाबा इसलिए कहते हैं मौज, सदा मौज में। सदा मौजों के दाता मालिक, बाप के साथ रहते हो ना, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। रूठने वाला क्या होता है? आंखें नहीं मिलाएगा और वो आते ही थोड़ा डाइवर्ट करेगा अपने आप। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहां तक अविनाशी रहती है, ऐसे ही धर्म सत्ता। इतना खोल को ही मनोरंजन का साधन बना लेते हैं तो कभी उदास होते ही नहीं है। कभी उदास भी हो जाए तो योग में बैठो, तुरंत ठीक हो जाए। हाँ, योग इज मनोरंजन। मनोरंजन के अलाउड है ना। हाँ, वो चॉइस है आपकी, बाप की सुनना या बच्चों की सुनना। तो बाबा कहते हैं कि तो ये है, तो ना चैन के लिए विज्ञान चाहिए, दूसरा मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन, वैसे जिसको श्रेष्ठ संकल्प में रहने की आदत होगी ना, वो ये फिजिकल बातों में ही इंटरेस्ट नहीं होगा। मूवी तो पूरी फेक होती है, जो रेगुलर हमारे मतलब दैनिक बातें भी होती है, उसने ऐसा किया उसने कैसा, जो रियल है उसमें ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो मूवी तो क्या चीज है उसके लिए। नहीं तो वो गॉसिप में भी इंटरेस्टेड होते। अच्छा, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो, तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प निर्विघ्न निर्विकर्मी सदा निराकारी सो साकारी, इसको कहा जाता है जीने की कला, जहां कोई हद की इच्छा नहीं, धर्म वाली जीवन है ना। निर्विकल्प निर्विघ्न निर्विकर्मी सदा निराकारी सुसाकारी, यह है धर्म वाली जीवन। इसको ही कहा जाता है जीने की कला, जहां कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा यह गीत गाते रहे, पाना था वह पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। स्टार्टिंग में बताया श्रेष्ठ जीवन जीने की सत्ता कला, मतलब पाना था वो पा लिया। साकार बाबा को फर्स्ट बाबा का जो स्लोगन था यही था, जो मिलना था वो मिल गया। इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता।
अब सोचो चारों ही सत्ताएं हैं, राज्य सत्ता में तीन बातें, विज्ञान सत्ता में दो बातें, है ना, जिसके अम्ब्रेला दो बातें, उसके अंडर में कई सारी, और धर्म सत्ता अर्थात चार बातें, कौन कौन सी, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकार, ये तीन चार। तो ये सदा, और फिफ्थ है पाना था सुपाली, ये धर्म सत्ता। तो चारों ही पाव एक रस है या छोटा एक बड़ा है। एक्चुअली कभी कभी जो लौकिक में होता है, धर्म भी एक इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, यज्ञ किया किसके लिए ये काम हो जाए, तो ऑलवेज एक वैकेंसी धर्म को उसके लिए यूज करते हैं। और बाबा कह रहे धर्म मतलब ही इच्छा, निर्विकारी, निर्विकल। तो हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहां तक जमा है, चारों पाव एक रस होंगे तभी अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो सुना, क्या देखा, क्या देख रहे थे बाबा, देखो ऊपर से क्या देख रहे हैं मेरे में, चारों ही, हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहां तक जमा है। खुशी से जीने वाले होना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको इसको डैश नहीं कहते, मजबूरी से जो कर रहे हैं इसको विकारी आत्मा नहीं कहेंगे, बेफिक्र बादशाह करना पड़ता है, अधीन हो गया ना, फिर जीना नहीं कहते, इसको जीना नहीं कहेंगे मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। और मोहब्बत से कब होगा, जब हम समझ के कोई बात को लेंगे ना, जब होता है मुझे क्यों बोला, वो एक ईगो को फील होता है ना, तो वो जैसे वो अपने आप को स्टॉप कर देता है, ठीक है तुम बोल रहे हो ना तो तुम्हारे सामने कर लेंगे, वो मजबूरी से कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत से, तो इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी हो गया वैसा, कभी ठीक हुआ, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो जाना हो, यह कोई जीना नहीं है। कभी अच्छी स्थिति, कभी डाउन, कभी अमृत वेला अच्छा, कभी नहीं हो, ये कोई जीना नहीं है। अच्छा, तो धर्म में तीसरी बात कौन सी, मजबूरी भी नहीं, चारों पैर मजबूरी से जीने, ठीक है ना, जो भी करे मोहब्बत से करे, समझ के करते ना तो मोहब्बत से करते, दिखावे से करते ना। किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई है, सभा में कुछ हुआ होगा, अब क्या होता है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है, कुछ हुई होगी तकलीफ, बीती सो बीती फुल स्टॉप। अब उसको सपोज कुछ भी हो जाता है, सीन अलग दिखता है, सारों का अटेंशन क्या हो जाता है, हलचल भी हो जाती है। देखो इमीडिएटली बाबा कैसे पॉइंट आउट करें, बीती सो बीती फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना, कोई आवाज करता है ना तो यो क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं सबको, यहाँ होता है ना इमीडिएटली, तो इधर म्यूट करना आता है बैराली का भी, उधर तो म्यूट कर देते हो आप सबको इधर ये है कि विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना, बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों और पांच तत्व प्रकृति के और पांच विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे,
अब देखो इसमें ये भी चेक करना है, कोई आया बाहर, वहां से आया, आया आगे आके बैठा, अटेंशन जाता है मेरा वहां, मतलब एक अलग सीन ही डाइवर्ट कर देगा। फिर ये वाली सीन आई, फिर अब जो बाबा बता रहे वो वाली सीन आ जाए, ऐसे नहीं समझना। तो अति हलचल में, सेकंड में अचल रहने वाले ही पांचवे टोनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। सुना? अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। कौन सा? अति हलचल का क्वेश्चन। अति हलचल। अब छोटे छोटे में ट्राई करें, जैसे कोई आया, मेरा ध्यान केवल वहां। गुलजार दादी बहुत चेक करती थी। तो अति हलचल में अति अचल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजय रत्न। अच्छा, उसके लिए क्या होता है? वही जैसे नथिंग न्यू, किसी का पता होता है ना, ये तो ऐसे करता रहता है तो ओके ठीक है। वही नथिंग न्यू, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया है, सभी टीचर्स पीछे बैठी हैं। आपको पता है ना, बाबा के सबसे पहले सामने दादियां होती है, जो भी बड़ी बहन है, और फिर टीचर्स का पूरा, उसके बाद फिर। तो आज टीचर्स सभी पीछे बैठी है, तो टीचर्स ने भी त्याग किया, बहुत लोग आ गए होंगे ना। तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकारो। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं, देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं। अब अगर बाबा मतलब जनवरी में ही आए ना, तो मुझे लगता है या तो फिर 31 दिसंबर को भी नहीं आए। हाँ, हाँ मतलब नहीं, ये तो 26 के बाद नहीं हो सकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्म योगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है, सुनो बहुत अच्छी बात है, जो एग्जाम्पल बनता है ड्रामा में, एग्जाम के टाइम उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। एग्जाम्पल, एग्जाम, एक्स्ट्रा। ओके, अच्छा, बाप के साथ पार्टियों से, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना अच्छा लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो, योगी हो, योगी जीवन वाले हो, निरंतर योगी। तो योगी जीवन वाले हो, योगी हो, निरंतर जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती है,
जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हो? निरंतर योगी जीवन में अतींद्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, और मेहनत भी नहीं। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है, और जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है, क्या कहेंगे? योगी जीवन, अब ये सब सत्ता सुनकर सहज लगता है, मुश्किल लगता है? संतुष्टता की पुष्पों की वर्षा हो, बार सभी वाह वाह कहे, स्नेह और शक्ति से चलाए, सत्कारी, सब सर्व द्वारा सत्कार, संतुष्टता वाला, तब स्नेह सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बीच वाला स्थिति है, माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई देती है, माया दिखाई नहीं देती। फिर वहां जाएंगे और कहेंगे क्या करे, हो गया, पार्टियों से मिल रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं वहां जाके फिर क्या कहेंगे? दीपिका बहन बोलो क्या कहेंगे? क्या करे, हो गया, स्थिति खराब हो गई, ये तो नहीं कहेंगे, पूछ रहे बाबा। हाँ, ऐसे तो नहीं करेंगे पक्का। मतलब मुरली के समय तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं, एक ऊंची चीज प्रिय लगती है, सॉरी, निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या? एक ऊंची चीज प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वह प्रिय लगती है, तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बाप ही है ना, तो और क्या याद आएगा? सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो, थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए, फिर माया में, माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति होती जाती है, और समझते हैं याद तो है ही, भूले तो है ही नहीं, लेकिन साधारण होते होते, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। अभी कितनी अच्छी स्थिति है, फिर धीरे धीरे साधारण, फिर भूल ही गए, 2 बज गया, फिर याद आया। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो, थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। कैसे नहीं होने दे साधारण भी? अभी तो चलो कुछ काम नहीं है तो अच्छी है स्थिति, साधारण कैसे हो जाती है स्थिति? हाँ, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं ना फुल, तो वही है, इंटैक्ट नहीं होता है वो सोल। या इसलिए जब हम क्लास कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, तो एकदम उस समय बीज एकदम डीप डालो, जब वो खुदाई करते हैं ना, बीज को एकदम डीप डालते हैं, क्यों? ताकि फिर वो जड़ पकड़े, तो एकदम अंदर संस्कारों में घुसा देंगे ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा, फिर बाद में पूरे कर्म में भी आए। तो अभी तो ये बाबा कह रहे हैं, इसलिए साधारण भी नहीं होने दो, थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती, माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है, इसलिए साधारण स्थिति भी नहीं होने दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही, लेकिन नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है, याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं ना बाबा, देखो रेगुलर लाइफस्टाइल के बारे में
क्लैरिटी कर रहे हैं, कैसे डील करना है उसमें। कभी कभी, हाँ कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन नेचर हमारा ऐसा है, वो एक स्थिति साधारण बन जाती। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन क्या होगा बोलो पूजा बन, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है, चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो, इसलिए बहुत स्लो चल रहे होते ना तो लगता भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए पूछे कैसे हैं। हाँ ठीक है चल रहा है। वीकली भी होना, मतलब वीकली तो क्या, डेली बेसिस पे हो कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में अंतर है, ये तो हुई कुछ ग्रोथ, नहीं तो चल रहे हैं। तो कभी कभी हाँ बाप चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है, चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म की सत्ता वाले होना, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना, कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया है, पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी। पूछ रहे बाबा, बताओ पूरा कल्प चलेगी गुलाब भाई या 21 जन्म चलेगी। डिफरेंस मालूम है ना, नहीं मालूम, बताओ क्या डिफरेंस है, पूरा कल्प या 21 जन्म। जितना हमारे पास जमा होगा उसके हिसाब से तो उसका ड्यूरेशन पीरियड होगा ना। अगर मैंने ज्यादा जमा किया तब पूरा कल्प चलेगा, कम जमा किया तो 20 जन्म की तो बाबा को मजबूरी से देना ही पड़ेगा। कितना जमा किया उसके बेसिस पे तो बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, आधा कल्प के बाद कितना जमा किया, आधा कल्प के बाद भी तो पूजे जाएंगे, वहां जमा नहीं होता है ना। हाँ वहां तो अभी सारा संगम युग में है, पूरा 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 टाइमिंग पे अभी का है, और अभी भी आज समझ लिया ना तो आज कर लो, आज के बाद भी पोस्टपोन कर देंगे तो नहीं होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, थोड़ा ही पता है क्या आएगी। तो बाबा कह रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है, अच्छा कितना जमा किया है। पूज्य भी तब बनते हो, मुरली पड़ी ना, पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। जमा कितना किया, यूज भी किया और जमा भी किया, ये थोड़ा इसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। जमा का डेफिनेशन प्रैक्टिकल में कैसे फील होता है, जमा किया हुआ है कोई भी चीज, जो चीज की जमा होती है ना, तो चलो इतना लॉस भी हो गया ना तो ठीक है, जमा अच्छा खासा है तो रिजर्व में निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता, ऐसा ही है। लेकिन अगर इमीडिएटली स्थिति खराब, कुछ कहते ही स्थिति एकदम खराब हो जाए, क्रोध आ जाए, मतलब वो आत्मा का जमा नहीं होता, जमा नहीं है, इमीडिएटली बस क्रेडिट पे ही चल रहे हैं या तो। बाबा कह रहे हैं जमा, लास्ट जन्म, इस तरह ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, सोचो इस पर होमवर्क। पूज्य भी तब है जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो,
लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है हमारा, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुख के भेंट में दुखी है। देखो बाबा के बच्चे वो लेवल तक कोई ऐसे रहे आए नहीं, ऐसे वाले लेवल जो होंगे ना लास्ट जन्म में भी इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे वो आत्माएं फिजिकली भी। तो बाबा कहते अगर बाबा डाउन भी कहता है किसके भेंट में, सत्युग के भेंट में हम दुखी है। अगर दुनिया वालों की तरह से देखो तो नहीं है, तो ये तो सुख के भेंट में दुखी है। बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो, दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सत्यु के हिसाब से दुखी होते हैं। इतना खोल खोल के बाबा ने बताया। अच्छा दाल रोटी मिलती है अच्छे से, और बाबा ने कहा ना खीर पूड़ी भी गारंटी नहीं करता हूं लेकिन दाल रोटी जरूर देगा, हेल्दी चीज मिलती रहेगी अंत तक। टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है, लॉटरी तो सबको मिलती है लेकिन इनों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे क्यों है, आगे रखने वाले। देखो पहले टीचर्स की वो विशेष वो बड़ाई कर दी, भले पीछे बैठे हो, त्याग करा, भाग्य जमा किया। अच्छा अभी जो जो भाई बहने ने त्याग किया टीचर्स को आगे रखा, तो बाबा क्या कहते बोलो, आगे रखने वाले स्वतः ही आगे हो जाते। एक लाइन में भी ना आप किसी को बोलते अच्छा आप चले जाओ, नहीं नहीं कोई बात नहीं आप चले जाओ, मतलब थोड़ा बहुत टेंडेंसी उसकी होती है, नरम तो पड़ ही जाता है। और अगर नहीं भी ऑफर करे तो रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है। यह एक अनादि नियम है, देना अर्थात लेना, और लेना अर्थात देना अर्थात लेना, और लेना सिर्फ अर्थात गवाना। केवल लेने वाला क्या होगा, तो भार चढ़ता जाता है ना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते, तो लेने के पीछे जाना माना गवाना, और देना अर्थात लेना। मुझे कोई चांस दे ना दे, मुझे फिर भी वैसा ही रिस्पेक्ट देना है, ये है देना। तो लेने की नेचर है ना, लेना अर्थात गवाना। तो देना, तो देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो, देवता अर्थात देने वाला अच्छा है, बाप भी खुश है, बच्चे भी खुश है। बाकी क्या रहा, टीचर सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि ये टीचर्स क्यों खुश होती है, टीचर्स की खुशी का कारण क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है ना, परिवार को देखकर खुशी होती है ना। माँ बाप को चाहिए भी क्या होता है, पूरा सब परिवार देखते ना तो खुशी होती है। ठीक है, तो आज सब सभी ने खुश किया, बाबा को खुश किया, सुप्रीम टीचर को। हाँ तो स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। अच्छा सबको बाबा ने आज टच किया है, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का, बेफिकर बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद कर मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा।
इतना ज्ञान कहीं सुना सुना राजेंद्र भाई, कितने भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो मुझे नहीं लगता इतनी गहराई है। कैसे डेप्थ, एक एक संकल्पों की जो डेप्थ है भगवान ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। वरदान है आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर के भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है, उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। अच्छा जी, चैन से सोना, चैन से उठना, स्लोगन है। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। पूरे मुरली में तो खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। एक और कौन सा आया इस टाइप का मुरली में आया था, जैसे यहाँ राइम किया ना बाबा ने। हाँ बोलो बोलो, राइट 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 है। एग्जाम्पल ड्रामा में एग्जाम की टाइम याद आ जाए। एग्जाम्पल एग्जाम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं दीदी एग्जाम के टाइम। एक्स्ट्रा मार्क्स, तो खुद को देखो याद रहेगा, खुद की कमियों को देखो, खुद को देखो कमियों को भरो, तो खुदा का प्यार मिलता रहेगा। अच्छा जी, तो बाबा की पावरफुल महावाक्य, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, धर्म। राज्य सत्ता के पहले बताया, फिर विज्ञान ने श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता बताई, फिर धर्म सत्ता बताई, फिर राज्य सत्ता बताई, फिर विज्ञान की सत्ता बताई, फिर हलचल वाली पॉइंट बताई। कितनी पावरफुल गहराई, कल करेंगे, कल कर देंगे, ओवरडोज हो जाएगा ना। हाँ जी, शांति। तो अभी हम सबसे पहले आज का होम